मैं प्रशांत पालेकर कमल हिंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज यह 99th वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। आज जो डिश दिखाने वाले हैं वो आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी ट्रेडिशनल ही हो गई, क्योंकि यह डिश मेरी दादी जी 75 साल पहले बनाती थी। वह साउथ मुंबई में रहती थी और जाहिर है कि वहाँ यूरोपियन लेडीज से नहीं तो पारसी लेडीज से उन्होंने यह सीखी होगी, जिसका नाम है पावा सो पुड़िंग। और तभी से हमारे घर में एक दो महीने में एक बार स्वीट डिश जैसे बनाते हैं। पद्मा जी बहुत अच्छा बनाती है और अभी आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, हमारी आज की डिश है पावा सब पुड़िंग। तो देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है। ये व्हाइट ब्रेड है, मैंने 6 स्लाइस लिए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 ml दूध है। ये 2 टेबलस्पून व्हाइट बटर है। ये मैंने 1 बाउल शुगर लिए, लेकिन हमें इसमें कितना डालना है वो अपने स्वीटनेस के ऊपर डिपेंड है। आपको ज्यादा स्वीट चाहिए तो ज्यादा यूज कर सकते हैं, नहीं तो कम लेना है। यहाँ पे सैफरन के थोड़े स्ट्रैंड्स है, ये वैनिला एसेंस है और ये ड्राई फ्रूट के क्रश करके मैंने यहाँ पे रखे हैं। अभी हम कृति शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रेड है इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। ये पूरा स्लाइस लेना है, ये जो साइड वाला है ये भी लेना है। अब ये ब्रेड के पीसेस तैयार है, इसमें हमें अभी ये मिल्क डालना है। इसमें और थोड़ा मिल्क डालना है। ये पूरा जो ये ब्रेड के पीसेस है सब भीग जाना चाहिए ये दूध डालने से। ये देखिए सब पीसेस इसमें दूध में भीग गए हैं। अब ये जो मैंने मिक्स किया है पाव और ये दूध मैं बाजू में रखती हूँ, और ये जो बाकी का दूध है इसमें ये बटर डालना है। ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून बटर है और थोड़ा मिक्स करना है दूध में। अभी इसमें एक 7 टीस्पून मैं ये शुगर डालती हूँ। अभी वापस मिक्स करना ये सब। ये जो ब्रेड और दूध का जो मिक्सचर है ये हम ये बाउल में निकालेंगे और इसमें डालेंगे ये जो मैंने बाद में लिया था दूध शुगर और बटर, और ये वापस मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे वैनिला एसेंस, थोड़ा ही डालना है नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। ये अरोमा के लिए 2-3 ड्रॉप काफी है। अभी हम ये वेसल में डालेंगे, क्योंकि अभी हमें ये डबल बॉईल करना है कुकर में डाल के।
इसमें डालेंगे ये सैफरन जो मैंने रखा है यहाँ पे, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का जो मैंने क्रश करके रखा है ये इसके ऊपर। अभी ये सब मिक्स करके रखा है। ये जो वेसल है ये मैं ये कुकर में रखती हूँ। यहाँ पे जो विसल है, सीटी है, वो निकालना है और ये ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक कुक करने के लिए रखना है। अभी 15 मिनट के बाद मैं ये कुकर का ढक्कन निकालती हूँ। ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये मैं निकाल के बाहर ये प्लेट में रखती हूँ क्योंकि ये ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने के बाद ये पीसेस काट के हमें सर्व करना है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको मैं काट के पीसेस बनाती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने सर्विंग बाउल रखे हैं, वो ये सर्विंग बाउल में ये पीसेस डालना है। चलो आज कुछ मीठा हो जाए ये सोच के हमने ये पाव का पुडिंग आज बनाया है, आपको दिखाया है। जो घर में बच्चे लोग हैं वो दूध पीते नहीं है, रोटी खाते नहीं है, बहुत तकलीफ देते हैं, तो इसके लिए हमने सोचा कि इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट अच्छा है। जी हाँ, और कितना अच्छा है तो बार बार पूछेंगे, माँ भाभी माँ हमें दे दीजिए, हमारे घर में भी यही होता है। आज का ये हमारा 99 वीडियो है, 100 वीडियो हम अगले हफ्ते आपको पेश करेंगे। वह रहेगा पूर्णान्न। ये पूर्णान्न क्या है वो जानने के लिए आपको अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। तब तक सात्विक खाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।